का और कैलेंडर का दोनों का टेस्ट लोगे, पहले आके 10 क्वेश्चन का, ठीक है? मनमोहन व्हाई आर यू मेकिंग फेसेस लाइक दिस? है क्या हो गया? क्यों इतना इजी आसान टॉपिक है कैलेंडर? भूखा लगे वो कैलकुलेशन बेस है, दैट्स व्हाई जरूर डिफिकल्ट लग रहा है। कैलकुलेशंस तो ये जो ये होते ना पूरा जो अपर लेवल है और तभी ना समझ नहीं है। हाँ फिर नहीं औखा कुछ भी नहीं है, ਸਮਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਾਨ ਟੌਪਿਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਡੋਟ ਨੋ ਵਾਈ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਟੋਟਲੀ ਲੌਜਿਕ ਬੇਸਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਲੌਜਿਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। आप लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाए तो आपको वो डिफिकल्ट लगेगा, तो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन तो है। डे निकालने के लिए आपको काउंट तो करना ही पड़ेगा और तो बाकी तो सारा कुछ बेसिक है। देखो क्लॉक, क्लॉक में हमारे पास एक जब क्लॉक है, हम जो हमारे पास क्लॉक पे क्वेश्चन आता है ना वो एनालॉग क्लॉक पे आएगा, डिजिटल क्लॉक पे नहीं आएगा। ये बहुत छोटा नहीं दिख रहा आपको, है ना? कैसे इसको साइज़ खोलो, चलिए उन विंडो खोल दो ना, ठीक है? इससे भी बड़ा नहीं होगा? अब देखो क्लॉक में हमारे पास एक आर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड होता है ना, पर जो हमें क्लॉक पे क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ मिनट और आर हैंड पे आएगा। ये मिनट हैंड है हमारा और हम इसको लॉन्ग हैंड भी बोलते हैं। ये हमारा आर हैंड है और हम इसको शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं। अब इनमें क्वेश्चन क्या है पहले मैं वो बताऊंगा। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्टेड टाइम का, रिफ्लेक्टेड टाइम इन वाटर और मिरर, शुरू में कोई और भी आएगा। अभी आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक, ठीक है? क्लॉक में हमारे पास देखो वैसे तो 3 हैंड्स हैं, मिनट हैंड, आर हैंड एंड सेकंड हैंड, बट हमें जो क्वेश्चन आएगा वो दोनों हैंड्स के ऊपर आएगा, आर हैंड और मिनट हैंड। शॉर्ट हैंड हमारा हो गया आर हैंड और लॉन्ग हैंड हो गया मिनट हैंड। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है रिफ्लेक्टेड टाइम इन वाटर और मिरर। आपको एक टाइम स्लॉट गिवन होगा, वो पूछेगा कि बताओ इसका रिफ्लेक्टेड टाइम, जो ये रिफ्लेक्ट करेगा टाइम वाटर में वो क्या होगा और मिरर में इसका रिफ्लेक्टेड टाइम क्या होगा पहले। फिर आता है हमें क्वेश्चन कोइंसाइड पे, कोइंसाइड टुगेदर, समझते हो कि दोनों हैंड जो क्लॉक के हैंड्स हैं मिनट और आर हैंड वो कितनी बार मिलेंगे 12 घंटों में, 24 घंटों में, हर एक घंटे में एग्जैक्टली वो किस टाइम पे मिल रहे हैं ये क्वेश्चन। फिर आता है ऑपोजिट का और 180 डिग्री, कि दोनों हैंड्स ऑपोजिट और 180 डिग्री एंगल 12 आवर्स में कितनी बार बनाएंगे, 24 आवर्स में कितनी बार बनाएंगे और हर एक घंटे में अगर वो बना रहे हैं तो एग्जैक्टली किस टाइम पे बनाएंगे, एग्जैक्ट टाइम आपको बताना। फिर आता है 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। फिर आता है एंगल का क्वेश्चन, ये आपको जैसे मैं बोलूँ 240 है, 240 में मिनट और आर हैंड आपस में क्या एंगल बना, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? फिर सेम
कोइंसाइड 12 घंटों में, 24 घंटों में, और हर एक घंटे में कितनी एग्जैक्टली कितनी एग्जैक्ट वो टाइम स्लॉट बताना है। अब जैसे मैं बोलूँ 12 से 1 के बीच में कित कब मिले वो दोनों हैंड्स बताओ, 1 बजे में मिल रहे हैं, कब मिलेगी दोनों हैंड्स सोचो, 12 और 1 के बीच में दोनों हैंड्स कोइंसाइड कब होते हैं, 12 बजे, फिर उसके बाद 1:05 पे, जब आप 1:05 बता रहे हो दैट मींस आपका आर हैंड जो है वो स्टक है वहां पे, सिर्फ मिनट हैंड चल के उसके पास पहुंचा, ऐसे होता है, तो इट्स मोर देन 5 मिनट्स है ना, तो आपको वो एग्जैक्ट टाइम स्लॉट बताना है कि 5:01 कितने मिनट में एग्जैक्टली वो मिल रहे हैं, ठीक है, वो फ्रैक्शन में आएगा आपका आंसर, पॉइंट्स में है तो हम क्लॉक में जितने भी आपके आंसर आएंगे वो आप फ्रैक्शन में दो, ठीक है। तो पहले हम करेंगे कि टाइम जो है वो इन अ मिरर क्या होगा, जैसे मैं बोलूं रिफ्लेक्टेड टाइम इन मिरर, अब मैं बोल रही हूं 2:40, दैट मींस आपका आर हैंड किस पे है, 2 पे, और मिनट हैंड किस पे है, 40 पे, आपने मेरे को बताना है 2:40 का रिफ्लेक्टेड टाइम मिरर में क्या होगा, सोचो मिरर में क्या होता है ऑपोजिट, ठीक है। अब जैसे आपके पास दो मिरर है, दो क्लॉक, मिरर प्लेस करती है, अब दिस इज आवर एक्चुअल टाइम, ये हमारा रिफ्लेक्टेड टाइम, अच्छा 12 को ऑपोजिट क्या होएगा, 6 कैसे हो जाएगा, 12 भी होगा इसमें ऑपोजिट, 1 का ऑपोजिट 11, 2 का ऑपोजिट 3 का, 4 का 5 का, 6 का 6, फिर 11 का 1, 10 का 2, ऐसे सो ऑन, फिर 9 का ऑपोजिट ये 3, 8 का ऑपोजिट ये 4, 7 का ऑपोजिट ये वाला 5, 6 का ऑपोजिट 6 ये। अब देखो 2:40 का मिनट क्या है कि इस क्लॉक में इट्स आर हैंड मोर देन 2 और मिनट हैंड कब है 8 पे, यही बने 2:40 है ना। अब अगर 8 का ऑपोजिट इस क्लॉक में हम देखें क्या आएगा, 8 7 का ऑपोजिट 5 है, 8 का ऑपोजिट क्या है, तो मिनट हैंड किस पे होगा 4, समझ आया, ये मिनट हैंड 4 पे होगा, बिहारी का आया। अब अगर ये 2 का ऑपोजिट 10 है, 3 का ऑपोजिट 9 है, और ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ कहाँ लाई करेगा, 9 और 10 के बीच में आया, यहाँ एक्चुअल टाइम था 2:40, यहाँ टाइम कितना हो गया 9:20, अब देखो दोनों का सम कितना बन रहा है 12 o'clock, है ना, 9 + 2 = 11, 20 + 40 = 60, 1160 means 1160 का मीनिंग क्या है 12 o'clock, समझ आया। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ये लिख लेना बाद में, आपको क्या करना है, आपको देखो मिरर के लिए आपको सम ऑफ एक्चुअल टाइम प्लस रिफ्लेक्टेड टाइम इज इक्वल टू 1160 ही लोगे आप, 12 नहीं लोगे, आर में से आपने आर माइनस कर देने, मिनट्स में मिनट्स कर देने, समझ आ गया। अगर बट मैं बोलूं मेरे को बताओ 15 30 का क्या होगा, तो या तो आप इसको
12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर लो, 15 मतलब 330, या फिर इसको 2360 में से माइनस कर लो। समझ आ गया? अगर आप इसको 2360 में से माइनस कर रहे हो, यहाँ क्या आ रहा है 30, और 23 में से 15 गए कितना आएगा 8, तो कितना आएगा 830। समझ आ गया? 330 का आएगा 830। तो दोनों का सम जो है वो ये होना चाहिए। फिर एक्चुअल टाइम आपको गिवन होगा, आपने आरटी निकालना है। आरटी आप कैसे निकालोगे? आप 1160 या 2360 में से जो एक्चुअल टाइम गिवन होगा आप उसको माइनस कर दो। ये फॉर्मूला है, समझ आ गया? आरटी रिफ्लेक्टिव टाइम, एटी एक्चुअल टाइम। समझ आया सबको? लिख लो, पिछला लिखना है। क्लियर हो गया? अब अगर मैं बोलूं 145 की, बताओ क्या आएगी? देखो 11 में से 1 माइनस कर दो 10, 60 में से 45 माइनस कर दो। जब कहीं इसलिए मैं 12 o'clock को 11:60 लिखवा रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोगों का कैलकुलेशन इतना अच्छा है ना कि आपने इस 0:00 को 100 अज्यूम कर लेना पेपर में। अब इस 100 में से माइनस कर दूंगी यहाँ, इसलिए ये 100 नहीं है, ये 11:60 है। ठीक है, 11:60 में से जब आप 145 माइनस कर रहे हो, क्या आएगा 10:50। दिस इज योर एक्चुअल टाइम, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड टाइम इन मिरर है ये। अब वाटर भी करेंगे, समझ आए? आ रहे समझ? अब हम करेंगे रिफ्लेक्टेड टाइम इन वाटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड मिरर? क्या डिफरेंस होगा? सेम ही रहेगा? हाँ, अपसाइड डाउन आएगा, है ना? वो हॉरिजॉन्टली आप देख रहे हो, ये वर्टिकल है, नीचे आएगा। वो क्लॉक ऐसे प्लेस कर रहे थे आप, ये ऐसे करोगे दो क्लॉक, डिफरेंस है ना? तो ये वाटर है नीचे वाला, ऊपर वाला जो है वो मिरर है, ये वाटर। अच्छा, अब मैं अगर बोलूँ 230, अब मेरे को बता दो 230 की वाटर इमेज सब निकालो और बताओ। मनमोहन, वेरी गुड।
सिक्स का ऑपोजिट क्या है, फाइव का ऑपोजिट, फोर का ऑपोजिट, थ्री का ऑपोजिट, टू का ऑपोजिट, वन का ऑपोजिट, फाइव, ट्वेल्व और सिक्स फिर आपस में ऑपोजिट है, सेवन का ऑपोजिट, एट का ऑपोजिट, नाइन का ऑपोजिट, नाइन, टेन का ऑपोजिट, एट, इलेवन का ऑपोजिट क्या है, सेवन, फिर ट्वेल्व और सिक्स आपस में ऑपोजिट है, ये ऐसे ऑपोजिट है, ठीक है। अब अगर आप देखो ये टू और थ्री के बीच में है, ये सिक्स पे है, आपका मिनट है, यहाँ मिनट है सिक्स पे, यहाँ कहाँ जाएगा, ट्वेल्व पे, सिक्स का ऑपोजिट क्या है, ट्वेल्व, यहाँ ये टू और थ्री के बीच में है, यहाँ थ्री और फोर के बीच में आएगा। अब ये मोर देन थ्री है और ये ट्वेल्व ओ क्लॉक पे है, तो इसको क्या एज्यूम करोगे आप, ये फोर ओ क्लॉक है और यहाँ कितना था, टू थर्टी, दोनों का सम कितना बन रहा है, सिक्स थर्टी, तो एक्चुअल टाइम प्लस रिफ्लेक्टिव टाइम का सम बनना चाहिए सिक्स थर्टी, ये वाटर के लिए, समझ आया, वाटर के लिए आया, अच्छा अच्छा। अब मैं बोलूं 9:45 की वाटर इमेज बताओ क्या है, क्लोज टू टेन, यहाँ पर आर हैंड आपका मिनट हैंड आपका नाइन पे ही आएगा, बट यहाँ ये क्लोज टू टेन है, तो टेन का ऑपोजिट क्या है, टेन का ऑपोजिट क्या है, एट, तो यहाँ ये कहाँ आएगा, मोर देन एट, समझ आया, 9:45 नहीं आ सकता, 9:45 कैसे आई, मैंने सोच लिया आपने दोनों हैंड्स ऐसे नाइन पे रख लिए, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि नाइन पे वो रुका थोड़ी रहेगा, आर हेड जब मिनट हैंड चलेगा तो आर हेड क्या नौ पे रुका हुआ है, वो तो दस के पास पहुंच गया, मिनट हैंड नाइन पे आ गया, तो अगर वो मोर देन, अगर वो क्लोज टू टेन है तो वाटर पे फिर वो क्लोज टू कहाँ रहेगा, एट, तो क्या आएगी, 8:45, समझ आया। बट अब देखो ये अगर मैं बोलूं कि 9:45 की इमेज आप इसको ड्रॉ किले किए बिना बना दो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है ना, तो आप इसको कैसे करेंगे, देखो एक्चुअल में वाटर में हमारे पास एटी प्लस आरटी का सम है 6:30, बट ये तभी अप्लाई कर सकते हैं हम ये फॉर्मूला अगर हमारे पास जो एक्चुअल टाइम है वो लेस देन 6:30 होगा, मिनट जो है वो लेस देन 30 होने चाहिए, आर जो है वो लेस देन 6 होने चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, है ना, डिफिकल्ट है। तो अगर मैं इसको 590 में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या कोई डिफरेंस है, है कोई डिफरेंस, मैंने इसमें से वन आवर लिया, दैट मीन 60 मिनट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए, तो ये 30 से क्या बन गया, 90, अब मैं इस 90 को इसको 1790 लिख सकती हूँ, लिखा जा सकता है 1790, अब कोई भी नंबर जो मोर देन 6 एंड मोर देन 30 आ जाए फिर आप उसको इसमें से माइनस कर सकते हो, 17 में से 9 माइनस किए क्या आएगा, 8, 90 में से 45 माइनस करेंगे क्या आएगा, 8:45, तो आ रही थी ना 8:45, नहीं समझ आया, नहीं आ रहा,
अच्छा मेरे कुछ नहीं करना, ये क्यों किया? देखो अगर मैं आप बोलूँ 8:45 की मेरे को वाटर इमेज बताओ, क्या आप 8:45 को 6:30 में से माइनस कर सकते हो? उल्टा नहीं कर देना कि 8:45 में से 6:30 निकाल दे, नहीं हम नहीं माइनस कर सकते। अब मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जो मोर देन 8 हो और मोर देन 45। अब मैं इसको अगर इसको मैं 6 को 18 लिख सकते हैं हम 24 आवर क्लॉक में, और 30 को 30 लिख लो। अब आर तो मोर देन 8 आ गए बट मिनट्स मोर देन 45 नहीं आए, है ना? तो मैंने इसमें से 1 आवर ले लिया। 1 आवर का मतलब क्या है? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स मैंने इधर लिख दिए, तो मैं इसको 1790 लिख सकती हूँ। समझ आ गया? अब इस 1790 में से आप कोई भी नंबर हो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। समझ आया? अब मैं जैसे बोलूँ 1145 की, 1140 की बता दो। अब 630 में से निकालना तो बहुत मुश्किल है। अब 1140 हम इसमें से तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, कितना आएगा? 650। समझ आया? आया? चलो अब मेरे को बता दो 130 की बता दो, वाटर भी बतानी है, मिरर भी बतानी है, 920 की भी बतानी है, वाटर मिरर, और एक मेरे को बतानी है 1230 की वाटर भी मिरर भी, दोनों बतानी है। 1230 की वाटर मिरर और 920 की वाटर मिरर, 130 की वाटर मिरर, दोनों वाटर मिरर दोनों है, ठीक है? वो एम इधर आ नहीं रहा। क्लॉक्स बना के कर रहे हो तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बस। मुश्किल नहीं है, माइनस ही तो करना है। बताओ 130 की वाटर क्या है? 5 o'clock। 130 की वाटर मिरर क्या है? 10:30। 9:20 की वाटर बताओ? 9:10। मिरर 2:40। अच्छा 12:30 की? 6:00। वाटर मिरर 11:30। सबका सेम आया? 12:30 को 70 वाटर निकालनी है। 12:30 को 1790 में से आप माइनस कर रहे हो 12:30 को, यहाँ तो 60 आ रहा है, 90 में से 30 गए 60 और 17 में से 12 गए 560 का मतलब क्या होगा? 560 का मतलब क्या होगा? 6 होगा। इसकी फिर आप मिरर इमेज 12:30 की अब 2360 में से निकाल लो, मोर देन 12 आ गया ना, 1160 में से तो आएगी नहीं, 2360 में से निकालो 12:30, ये
30 आ जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएंगे 11। ठीक है, समझ आ गया? हो गए सारे? हो गए बच्चों? पीछे ऑनलाइन स्टूडेंट से मैं एक बार पूछूं, ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ आ रहा है? से
का जो टाइम है 2 आवर्स का स्लॉट, उसमें वो एक ही बार कोइंसाइड करते एग्जैक्टली एट 12 o'clock। आगे चलो मैं समझा देती हूँ फिर से एक बार आपको, नहीं समझ आ रहा है। थोड़ा सा अगर ना मैं आपको बताऊं, जो आपका ये मेंटल एबिलिटी है रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, यहाँ थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ता है, चीजों को एज्यूम करना पड़ता है, उनकी पिक्चर बनानी पड़ती है, वहां नहीं आपको क्लॉक मिलेगा, वो सोचना पड़ता है। अब देखो 12 बजे दोनों हैंड मिले हुए थे ऐसे, दोनों हैंड 12 o'clock पे ऐसे मिले हुए थे, फिर ये मिलेंगे कहीं यहाँ आसपास, है ना, 1 के थोड़ा सा आगे, फिर 2 के थोड़ा सा आगे, फिर 3 के थोड़ा सा आगे, फिर 4 के थोड़ा सा आगे, फिर 5 के थोड़ा सा आगे, फिर 6 के थोड़ा सा आगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ कहीं, फिर यहाँ कहीं, जैसे अभी मिलने वाले हैं, फिर यहाँ कहीं, है ना, समझ आ गया, है ना, ऐसे। अब ये जो 11 to 1 है, इसमें आप देखो 11 बज चुके हैं, 11 एक आर एंड 11 पे है, मिनट एंड 12 पे, मिनट एंड पूरा चक्कर लगा के कहता मैंने इसको मिलना है, वो इसको मिलने के लिए यहाँ पहुंचा, ये 12 के पास पहुंच चुका था। जब मिनट एंड चलता है तो आर एंड स्टक नहीं है उस पोजीशन पे, वो उसकी अपनी रिलेटिव स्पीड है, वो कम चल रहा है, स्पीड उसकी कम है बट चल वो भी रहा है, मिनट हैंड की स्पीड जब, फिर मिनट, फिर आर हैंड इसको मिल, मिनट हैंड फिर इसको मिलने पहुंचा, फिर ये 12 बजे दोनों मिल रहे हैं एक बारी, फिर इसके बाद मिनट हैंड ने चलना 12 से शुरू किया, जब मिनट हैंड पूरा चक्कर लगा के 12 पे पहुंचा, आर हैंड कहाँ पहुंच चुका था, 1 पे, अब ये मिलेंगे 1 के बाद, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 times. So in 12 hours, 11 times and 24 hours, 22 times. उसका डबल, समझ आया, आ गया, लिख लो, लिख लिया। अब आपने मेरे को बताना है आर एम मनमोहन कहाँ लिखा शो में, पेपर मैंने देना है आपने देना है, वन सबने लिख लिया, 180 डिग्री ऑपोजिट स्ट्रेट बट नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर और स्ट्रेट बट नॉट टुगेदर के बाद वो यूज कर लेता कई बार 30 मिनट्स डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है, वो बोल देता है कि बताओ 180 डिग्री एंगल कितनी बारी बनाएंगे, दोनों हैंड्स ऑपोजिट कब होंगे, स्ट्रेट है बट नॉट टुगेदर, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे और दोनों में अगर वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो अगर कहीं पर भी, अब देखो जब वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा 10 के ऑपोजिट है 4 फॉर एग्जांपल, तो 30 मिनट उधर रह जाएंगे, 30 इधर रह जाएंगे, तो वो देखो पूरा सर्कल कितना है 360 डिग्री उसका क्या है हाफ, ठीक है, तो 30 मिनट्स डिस्टेंस अपार्ट भी बोल देता है कई बार कि हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड्स 30 मिनट्स डिस्टेंस अपार्ट इन 12 आवर्स एंड इन 24 आवर्स, नाउ टेल मी हाउ मेनी टाइम्स इन 12 आवर्स एंड हाउ मेनी टाइम्स इन 24 आवर्स। मनमोहन ये चीजें लिखनी है ताकि पेपर से पहले एक बार इनको आप गो थ्रू हो जाओ, मैंने नहीं आना फिर आपको वहां पेपर से पहले पढ़ाने, ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है बट ओवर कॉन्फिडेंस ले लेता है बंदे को, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बट ओवर नहीं होना चाहिए कि हमें याद रहेंगी चीजें, नहीं रहेंगी, आपने कौन सा इतना ज्यादा भरना है यहाँ पर, एक बार तो गो थ्रू करोगे ही पेपर से पहले चीजों को। चलो अब मेरे को बताओ 12 आवर्स में कितनी बार और 24 आवर्स में, सोचो तनवीर, अगर हर घंटे में मिनट हैंड 360 डिग्री कवर करता है, कितना कवर करता है मिनट हैंड हर घंटे में, पूरा चक्कर लगा लेता है, तो 180 डिग्री एंगल कितनी बार बनाएगा, एक बार हर घंटे में, तो फिर 12 क्यों नहीं,
है आप आंसर, फिर आप वो दो टू आवर्स का स्लॉट बता दो, वो 11 to 1 नहीं है इसमें। सोचो कितना टाइम लगेगा, इलेवन टाइम्स, और वो स्लॉट है 5 to 7। 5 के बाद वो एग्जैक्टली ऑपोजिट कब होते हैं, 6 o'clock पे, आफ्टर 5 एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं वो 6 o'clock, 6 o'clock के बाद वो ऑपोजिट होंगे आफ्टर 7, समझ आ गया। तो वो 5 to 7 के बीच में ऑपोजिट है ओनली वन टाइम, दैट इज 6 o'clock, अदरवाइज इन एवरी आवर वो एक बार ऑपोजिट होते ही होते, समझ आए नहीं आया, एक बार ड्रॉ करके बताओ। तो ये जो 5 to 7 का स्लॉट है इसमें एक ही बार ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई 12 आवर्स 11 टाइम्स आंसर आया, एंड इन 24 आवर्स कितनी बारी आएगा, 22 टाइम्स, समझ आया, ठीक है। 5 टू 7 के बीच में वो एक ही बार ऑपोजिट, समझ आ रहा है, इजी है ना, ये तो समझने वाली चीजें है, आसान। चलो अब आपने मेरे को बताना है 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल और 15 मिनट्स डिस्टेंस अपार्ट, अपार्ट हाउ मेनी टाइम्स इन 12 आवर्स, हाउ मेनी टाइम्स इन 24 आवर्स। 180 डिग्री एंगल 11 बार बन रहा है, 90 चार बार बनेगा, बट अब फिर बताओ 22 टाइम्स में वो
90 डिग्री एंगल दो बार बनता है, समझते हो? एक बार क्लॉक के, ये क्लॉक है, एक बार क्लॉक के इस साइड, एक बार क्लॉक के इस साइड 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल अगर 180 बार बन रहा है, 180 डिग्री एंगल अगर 11 टाइम्स बन रहा है, 180 अगर 11 टाइम्स बन रहा है, 90 कितनी बार बनेगा? 22 टाइम्स, है ना? उसका हाफ 90, बट उसका डबल होएगा फिर दूसरी साइड, रेशियो प्रोपोर्शन है ये। यहाँ आएगा 22 टाइम्स, यहाँ आएगा 44 टाइम्स। क्या कर रहे हम? नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है? डाउट ही रहता है मेरे को, आ भी रहा है कि नहीं? आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है ये वाला सब्जेक्ट, है ना? बाकी आसान है आप लोगों के लिए, आसान है। लीगल एप्टीट्यूड वो ठीक है, इंग्लिश ठीक है, रीजनिंग कई बार ठीक है, कई बार नहीं, ठीक ठीक है, है ना? ये समझने वाला, यहाँ रट्टे नहीं है ना, शायद आपको रट्टे मारने की आदत पड़ गई, दैट्स व्हाई, है ना? मैथ्स तो बहुत बेसिक कर रहे हैं हम, इसमें बहुत डिफिकल्ट। अब अगर मैं आपको मैथ्स करवाऊँ, सिंपोसिस में आएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको मैथ्स नहीं आएगा, तो फिर तो मेरी क्लास में जिन्होंने सिंपोसिस का भरा है वो तो दिखेंगे नहीं अगली क्लास में फिर, है? बेसिक मैथ्स आता है आपको, अर्थमेटिक्स आता है, बेसिक चीजें तो देखो आनी चाहिए आपको, प्रॉफिट लॉस, ये आप टेंथ तक, ये फिफ्थ सिक्स में स्टार्ट हो जाता है, टेंथ तक हम पढ़ते हैं, इसलिए बेसिक है, इतना ही आना है आपको, डिविजिबिलिटी रूल, प्रॉफिट लॉस, रेशियो हो गया, आपको सिंपल इंटरेस्ट जाना, कंपाउंड इंटरेस्ट होने, जैसे एक बार एक पेपर में क्वेश्चन आया, पंजाब यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन था, बट उसको हम मैथ्स में कंसिडर करते हैं, बट वो आपकी जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन था, वो कहते हैं एक यू नो तबेला है, उसमें हॉर्सेस और पता नहीं क्या, शायद पीकॉक रहते हैं, कहता है पीकॉक और हॉर्सेस के हेड इतने हैं, लेग्स इतनी गिवन है, आपने बताने हैं कि कितने पीकॉक्स हैं और कितने वो हैं, हेड्स भी गिवन थे, ये मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ। ये देखो ये क्वेश्चन था, कहता जू हैज सम पीकॉक्स एंड सम हॉर्सेस, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर का क्वेश्चन है, पिछले से पिछले साल में, अ जू हैज सम पीकॉक्स एंड सम हॉर्सेस, अब क्लॉक से मैं इधर चली गई, चलो ये कर ले, इफ द नंबर ऑफ हेड्स इज 12, दोनों के नंबर ऑफ हेड्स हैं, पीकॉक है प्लस हॉर्सेस है, ठीक है, और दोनों के नंबर ऑफ हेड्स है 12 और नंबर ऑफ फीट है 28, आपको बताना हाउ मेनी पीकॉक्स आर देयर, हाउ मेनी पीकॉक्स आर देयर, घोड़ा है वहां पर, बाकी सारे पीकॉक हैं।
आंसर इज 10। ये बहुत बेसिक है, आपके जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन नहीं। देखो कि कैसे कर सकते, पीकॉक और हॉर्सेस के हेड कितने कितने होते हैं? वन वन, वो 12 दे रखे हैं। पीकॉक के कितने लेग्स हैं, कितने फीट है? टू। हॉर्स के कितने हैं? फोर। इनका सम कितना दे रखा है? 20। ये इक्वेशन ही तो आपने सॉल्व करनी, आती है इक्वेशन सॉल्व करनी? आती नहीं आती? ये प्लस प्लस माइनस हो जाता है, पता है आपको इस इक्वेशन में। अच्छा ये एक पीकॉक आ गया और टू क्या आ गए? थ्री क्या आ जाएंगे? और इनको माइनस करोगे कितना आएगा? आपने ऐसे किया, आपने कैसे किया? तो बहुत मतलब ऑप्शन से पॉसिबिलिटीज बना के आई डिड एवरीथिंग। अच्छा ये माइनस करेंगे कितना आएगा? 28 में से 12 माइनस करेंगे। अच्छा ये ऐसे नहीं होना था, पता है यहाँ इक्वेशन को सेम भी करते हैं। यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? टू के साथ। यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? वन के साथ। ये तो किया ही नहीं, तो ये टू पीकॉक हो जाएंगे, टू हॉर्सेस, और ये कितने हो जाएंगे? 24। ये टू पीकॉक रहेंगे, ये फोर हॉर्सेस रहेंगे, ये कितने हो जाएंगे? 28। ये कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस करेंगे टू आएगा, इधर कितना आएगा? चार। हॉर्सेस कितने आ जाएंगे? टू। हॉर्सेस टू आ गए तो पीकॉक कितने हो जाएंगे? नहीं समझ आया? ये करना था नहीं है, फिर भूल गए हो आप लोग। हाँ यही आना है आपको, यही आना है आपका बेसिक, इतना सा बेसिक तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। यहाँ पर फिर आपने इस इक्वेशन को सेम कर दिया, ठीक है? अगर एक सेम नहीं करे हो फिर ये ऐसे गलत बनेंगे। आता है ना ये, तो ये आपके आपके पेपर का क्वेश्चन है। क्या हुआ? वो हंसी आती है आपको क्लास में, आपको लगता है कपिल शर्मा शो चल रहा है। चलो क्या थे, कहाँ थे हम, क्या करवा रहे थे? कल हम कंटिन्यू करेंगे क्लॉक, थोड़ा लेंथी टॉपिक है। अभी मैं आपको 90 डिग्री एंगल 22 टाइम्स क्यों बन रहा है वो बता के फिर हम फिनिश करते हैं। कौन सी वाली आ गया? चलो फिर एक बार मैं फिर बता देती हूँ। तो आप रट लो इसको, बट फिर भी मैं हमेशा ही, मेरी ये कोशिश होती है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अब क्लॉक के एक एंगल इस साइड बनेगा 90 डिग्री, एक इस साइड बनेगा, ठीक है? अब 12 से 1 में 2 टाइम्स बनेगा, 1 से 2 में भी 2 टाइम्स बनेगा। जैसे अब अगर एक तो सवा 12 ही बन जाएगा, एक बनेगा जब ये 11 के पास पहुंचेगा और ये 10 के पास पहुंचेगा तब। एक बारी मिनट हैंड इस साइड क्लॉक के होना चाहिए, एक बारी मिनट हैंड इस साइड होना चाहिए, तो 2 टाइम्स राइट एंगल बनेगा। 1 to 12 to 1 2 टाइम्स, 1 to 2 2 टाइम्स, 2 to 3 में एक बार बनेगा मोर देन 3, एक बार एग्जैक्टली 3 ओ क्लॉक पे बनता है,
फिर एक बार ये 3 to 4 के बीच में बनेगा। ये जो 2 आवर्स का स्लॉट है इसमें सिर्फ 3 टाइम्स ही बन रहा है, समझ आया? और इधर 8 to 10 का जो स्लॉट है इसमें एक बारी 8 के बाद, एक बारी एग्जैक्टली 9 o'clock, एक बारी 9 के बाद, यहाँ 3 टाइम्स बनेगा। तो 2 4 3, 2 2 2, इन सब का सम आएगा 22 टाइम्स एंड 44 टाइम्स, समझ आ गया? ठीक है, क्यों बन रहा है 22 टाइम्स और क्यों 44 टाइम्स बना? ठीक है, ऐसे आपको एजेस का क्वेश्चन भी आ जाता है कि राम और श्याम की प्रेजेंट एज गिवन है और 3 साल पहले उनकी कोई एज गिवन है, तो आपको 1 पर्सन की 3 साल पहले का उनकी एज का सम गिवन है, आपको 1 पर्सन की एज निकालनी, इक्वेशन बना के ऐसे। ठीक है,